दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। आम आदमी पार्टी की विधानसभा क्षेत्र धरियावद में मीटिंग का आयोजन खेड़ापति हनुमान मंदिर उदयपुर रोड धरियावद के प्रांगण में रखी गई बैठक में उपस्थित आम आदमी पार्टी की सेंट्रल टीम से रविंद्र सिंह व पंकज नारोला के मुख्य अतिथि के रूप में धरियावद क्षेत्र से जुड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व आम जनता को जागरूक किया गया। बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को हमको किस तरह से जीतना है, चुनाव की रणनीति तैयार की गई और सभी को ट्रेनिंग दी गई। हर पंचायत मुख्यालय आम आदमी पार्टी की मीटिंग का आयोजन कर आम जनता को जोड़ा जाएगा। यह कार्य 15 जुलाई तक पूरा करना है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री एवं भगवत मान पंजाब मुख्यमंत्री का दौरा कराने की तैयारी आज से ही शुरू कर दी गई है और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र से पार्टी से जुड़े आम जनता व कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प लेकर अपने क्षेत्र के अंदर कमर कस कर काम करने की ठान ली है। आम जनता को जागरूक करेंगे और आम आदमी पार्टी का विधायक धरियावद क्षेत्र से विजयी होगा। विजय श्री दिलाने का संकल्प लिया गया। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ तन मन धन से समर्पित होकर पार्टी के हित में आम जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बैठक में उपस्थित लोकसभा अध्यक्ष कालूराम मीणा, रायपुर जिला सचिव विनोद कुमार टेलर, जधरियावाद ब्लॉक अध्यक्ष बालचंद पटेल, गरडा ब्लॉक अध्यक्ष लसाड़िया गौतम लाल मीणा, पूर्व सरपंच दातलिया ब्लॉक अध्यक्ष झल्लारा दलपत सिंह चौहान, भबराना ब्लॉक अध्यक्ष पारसोला मुंगाना हकरिया भाई मीणा, भगवान लाल मीणा साठपुर किसान मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष एवं पूरे विधानसभा क्षेत्र से सभी सर्कल इंचार्ज एवं पंचायत प्रमुख, महिला प्रमुख कांता देवी मीणा, दूलीबाई पाटला बावड़ी एवं पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पूरे विधानसभा क्षेत्र से सम्मिलित हुए। जय हिंद साथियों, मैं पंकज नरूला पंजाब सेंट्रल टीम दिल्ली से आज यहां उदयपुर की विधानसभा दरियावल में संगठन की मीटिंग को लेकर, संगठन को मजबूत करने के लिए आज सब यहां हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के कामों ने पूरे भारत में अपनी छाप छोड़कर दिन प्रतिदिन जो है आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के बाद हमने पंजाब में सरकार बनाई, इतिहास बनाते हुए दिल्ली की तरह ही 92 सीटें जीती। तो जो क्रांतिकारी काम, जो अच्छे काम लोगों के लिए हमने एक साल के सवा साल के अंदर पंजाब में करके दिखाए, उन सब का दिल्ली और पंजाब के कामों का और लोगों के हित में जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है उसको यहाँ पर बताने के लिए और संगठन की मजबूती के लिए और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जो हम हैं यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है। जहाँ जहाँ मैं उदयपुर क्षेत्र मुझे मिला है, मैं काफ़ी जगह पर जाकर आया हूँ, लेकिन लोग आज के समय में बदलाव की तरफ जा रहे हैं। पिछले 70-72 सालों में जो ये कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर राजस्थान को लूटने का काम किया है, बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं, बहुत से और सारे क्षेत्र हैं जिसमें एक कॉमन बात निकल कर आ रही है कि वहाँ पर उनको मालिकाना हक तक नहीं दिया गया। इतने सालों से चुनावी वादे किए गए लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया गया। तो ये सरकार के लूटने का काम और झूठ बोलने का काम है। अशोक गहलोत जी ने जो जितनी भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं या जो राहत शिविर लगा रखे हैं, कोई फायदा पब्लिक को उनको नहीं मिल रहा है। सिर्फ दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये काम हो रहा है सरकार का। और जिस तरह से कांग्रेस के MLAs आपने पूरे भारतवर्ष में देखे हैं कि किस तरह टूट टूट कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो मेरी राजस्थान की जनता से दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप लोगों ने इतने सालों से बीजेपी और कांग्रेस को मौका दिया, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखिए। जिस तरह से हमने दिल्ली को और पंजाब को सुधारने का, अच्छे काम करने का काम किया है, वैसे भी हम राजस्थान में कर कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।